सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, और चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, लाइक जरूर करें सोनल की। हेलो फ्रेंड्स, सोनल बेकिंग कुक में आपका स्वागत है। आज मैंने सोयाबीन के कबाब बनाए हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छे बने हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर बनाइए, बहुत ही बढ़िया चटपटे करारे बनते हैं। बारिश के दिनों में शाम में कुछ नाश्ता खाने का मन कर रहा था, हमने कहा चलो आज कबाब बनाते हैं, तो मैंने कबाब बनाया, बहुत ही अच्छे बने। और उसके साथ यहाँ मैंने 5-स्टार तंदूरी मस्त चटनी बनाई है, जो कि कबाब के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये दोनों की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, और ये कबाब में क्या ऐड करना है इसका ट्विस्ट भी आपको बताऊँगी, और चटनी भी बिल्कुल 5-स्टार वाली कैसी बनेगी। आप मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा, जब आप मेरा वीडियो एंड तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो क्या होता है वो टेस्ट हम कहते हैं 5-स्टार में खाते हैं तो इतना अच्छा टेस्ट आता है, हमारा क्यों नहीं आता है। तो मैंने बिल्कुल वैसा ही आप बनाया हुआ है, तो आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करिए। चलिए अब इसे फटाफट हम बनाते हैं। चलिए आज हम सोयाबीन के कबाब बनाने जा रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर मैंने ये सोयाबीन ले रखा है, ये देखिए ये मैंने सोयाबीन लिया है, और इसमें मुझे ये प्याज ऐड करना है। यहाँ प्याज लिया है, बेसन है, ये कॉर्नफ्लोर है, यहाँ मैंने अदरक लहसुन और हरा मिर्च, ये देखिए मैंने अदरक लहसुन को कट कर लिया है ताकि ये मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड हो जाए। और इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला, और यहाँ पर देखिए ये मैंने थोड़े गरम मसाले निकाले हैं, लाइक जीरा, इलायची है, 2-3 लौंग है, और 2-4 काली मिर्च है। और थोड़ा सा मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ, ये एक ट्रिक है, मतलब इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, जो कबाब होते हैं उसका बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। तो हमें सबसे पहले ये जो मैंने सोयाबीन की बड़ी निकाली है इसे पानी में हम बॉईल कर लेंगे, हमें इसे अच्छे से उबाल लेना है, इसको अच्छे से बॉईल होना चाहिए ताकि जो बड़ी है अच्छे से गल जाए। बड़ी बॉईल हो रही है तब तक हम ये अदरक लहसुन और ये जो मसाले हैं उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए इसमें अब हमें अनियन भी डाल देना है, और जो मैंने ये गरम मसाले लिए हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे ताकि बढ़िया अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सोयाबीन की बड़ी बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है, मैंने गैस बंद कर दिया है, अब हम इसे इसमें छान लेंगे। अभी ये बहुत गर्म है, अभी हम इसे पानी निथरने तक थोड़ा सा छोड़ देंगे, जब ये एकदम ठंडा हो जाएगा तो हमें इसको अच्छी तरह से निचोड़ना है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, फिर हम इसे मिक्सी में पीसेंगे। ये बड़ी अभी अच्छे से ठंडी हो गई है, इसे हमें खूब अच्छे से पूरा पानी एकदम अच्छे से टाइट इसे निचोड़ लेना है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कबाब अच्छे से नहीं बनेंगे। ये एकदम, ये देख रहे हैं ना आप, मैं कितने अच्छे से इसको निचोड़ दी हूँ, ये देखिए इस तरह से पूरा पानी निकल जाना चाहिए। अब जिस मिक्सर में हमने मसाला पीसा है उसी में हम इसको डालकर पीस लेंगे। ये हमने बड़ी को अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है। फ्रेंड्स, यदि आपको लगता है कि इसमें थोड़ा बहुत पानी और है तो आप इसे पीसने के बाद भी थोड़ा हाथ में ऐसे मुट्ठी जैसे बांध के पानी निचोड़ सकते हैं। अब हम इसमें बाकी के सारे मसाले ऐड कर लेंगे, ये हमने जो पेस्ट तैयार किया है वो पूरा पेस्ट हमें इसमें डाल देना है। अब हम इसमें 1/2 कटोरी ये बेसन डाल रहे हैं, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं, यदि आपके पास राइस फ्लावर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, 1 चम्मच गरम मसाला, थोड़े से हरी धनिया है कटे हुए, और यहाँ मैंने कसूरी मेथी लिया बताया था ना, इसको हमें ऐसे क्रश करके डालना है, इससे क्या होता है इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसमें हम 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड करना है, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने बैटर पूरा अच्छे से तैयार कर लिया है, ये पूरा मिक्स हो गया, अब हमें इसके कबाब बनाने हैं। ये देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा सा हमें लेना है, और आपको जो शेप देना है इसको, मैं इसको इस तरह से ये देखिए गोल गोल शेप दे रही हूँ, हमें ऐसे ही कबाब बनाने हैं इस तरह से, हम सारे कबाब बना लेंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, आपने यदि ये बनाया ना तो आप तो नॉनवेज खाना भूल जाएंगे।
पर हमें इसी तरह से सारे कबाब बना लेना है और फिर उसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। हाँ, मैंने पैन में तेल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है और ये तेल गर्म भी हो गया है। अब हम इसमें ये कबाब एक एक करके इस तरह से डालेंगे और उसे बढ़िया अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे। कैसा है, बारिश का दिन कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो हम ऐसा कभी भजिया, कभी कुछ कटलेट्स या कभी ऐसे सोयाबीन की कबाब बना सकते हैं। मैंने आपको पहले भी दिखाया था ना, मुरमुरा के कटलेट, पोहा के कटलेट, आप ज़रूर देखिएगा। यदि नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक। ये देखिए, इस तरह से बढ़िया अच्छा गोल्डन फ्राई हमें इसे करना है। ज़्यादा तेज आंच में इसे फ्राई नहीं करना है, मीडियम आंच में फ्राई करिए। वाओ, इतना बढ़िया कलर आया है। ये अभी दोनों तरफ से बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गया है और अब हमें इसे निकाल लेना है। ये इस तरह से क्या बढ़िया कबाब बने हैं हमारे सोयाबीन के कबाब, और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अब हमने जितने कबाब बनाए हैं हम सभी को बढ़िया इसी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। देखिए, सोयाबीन के कबाब बनकर रेडी हो गए हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं, एकदम करारे चटपटे कबाब तो बन चुके हैं। लेकिन हम कबाब खाएं किसके साथ, उसके लिए मैं चटनी बना रही हूँ। आपने अक्सर कभी होटल वगैरह में, यदि फाइव स्टार होटल में कबाब खाया होगा तंदूरी स्टाइल, तो उसकी एक चटनी बनती है। मैं आज वही चटनी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए यहाँ पर मैंने ये हरी धनिया लिया है, थोड़े से मैंने यहाँ पर पुदीना लिया है और एक अनियन छोटा कट किया है मैंने इसमें, और थोड़ी सी दही हम इसमें डालेंगे, ये एक कटोरी दही है। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसमें हरी मिर्च इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि कबाब तो ऑलरेडी इतने चटपटे बनते हैं, तो थोड़ा सा माइल्ड चटनी इसके साथ अच्छी लगती है। अब हम इनको मिक्सर में डालकर पीस लेंगे। ये हरी धनिया, पुदीना और प्याज, इनका हमें एक अच्छा सा बारीक पेस्ट तैयार करना है, एकदम फाइन बारीक पेस्ट तैयार करना है। ये मैंने बढ़िया अच्छा स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है धनिया और पुदीना का। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो दही है, दही को हमें थोड़ा सा अच्छे से स्मूथ कर लेना है। यदि मार्केट से आप दही लाएँ तो वो स्मूथ ही रहती है, लेकिन ये मेरी घर की जमी हुई दही है तो मैं इसको अच्छा स्मूथ तैयार कर ले रही हूँ। दाने बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इसमें, तो अच्छी नहीं लगती है। ये हो गई है, अब ये दही मैंने स्मूथ पेस्ट कर बना लिया है। अब इसमें ये जो हमने ग्रीन चटनी बनाई है इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, और इसमें अब नमक ऐड करना है हमें, थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, और इसको मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल फाइव स्टार तंदूरी चटनी जो होती है तंदूर के साथ आप खाते हैं, वो रेडी हो गई है। चलिए अब हम कबाब लेके आते हैं। ये देखिए, चटनी बन गई है बढ़िया अच्छी। अब हम इसको सर्व करेंगे अपने कबाब के साथ। ये देखिए, हमारे कबाब भी एकदम बढ़िया रेडी हो गए हैं, एकदम करारे चटपटे क्रंची हमारे कबाब बने हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। मैं आपको बता रही हूँ, बना के ज़रूर खाइएगा। यदि आपने इसे खाया तो आप नॉनवेज खाना भूल जाएंगे। इसे इस तरह से गार्निश करिए और बनाइए बढ़िया चटपटे कबाब। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।